फिल्म के बारे में हम बातें करने वाले हैं वो है आग्नि साक्षी, जो 1986 में रिलीज हुआ हिंदी थ्रिलर मूवी है। इस फिल्म की जो मुख्य कलाकार है मानिषा कोइराला, जैकी श्रॉफ और राणा पाटेकर। फिल्म की जो मुख्य कहानी है ऐसी, हम देखते हैं शिवांगी जो है मानिषा कोइराला अपनी चाचा के साथ मुंबई में रहती है, और उधर हम देखते हैं सूरज कपूर जो है कपूर इंडस्ट्री की मालिक जो है जैकी श्रॉफ, और वो उसके साथ शिवांगी और सूरज की देखा हो जाती है रास्ते पर और उन दोनों की गाड़ी टकरा जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सूरज शिवांगी को देखकर उससे पसंद होते प्यार हो जाती है और वो शिवांगी से शादी कर लेती है। और हम देखते हैं कि दोनों हनीमून के लिए हिल कॉटेज हिल स्टेशन में आती है, तब यहाँ पर उनके साथ देखा होती है विश्वनाथ जो है नाना पाटेकर की, और विश्वनाथ यहाँ पर शिवांगी को फॉलो करती रहती है और वो जाकर शिवांगी को ये कहती है कि वो उसकी पत्नी माधु है, और यहाँ पर सूरज उसे कहती है कि वो उसकी पत्नी शिवांगी है, और दोनों में बहस होती है, और यहाँ पर सूरज गार्ड बुलाकर विश्वनाथ को वहाँ से भागा देती है। और हम देखते हैं कि रात में विश्वनाथ सूरज को अपने रूम में बुलाती है और उसे उनकी शादी की वीडियो दिखाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि शिवांगी की हमशक्ल एक और एक लड़की माधु को जो जिसके साथ विश्वनाथ की शादी हो रही है। और ये सब देखने के बाद सूरज ये कहती है कि एक ही चेहरा की दो आदमी हो सकती है, वो विश्वास नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। और हम देखते हैं कि सूरज और शिवांगी विश्वनाथ से छुटकारा पाने के लिए गोवा चली जाती है, और उधर हम देखते हैं कि विश्वनाथ भी उनको फॉलो करती हुई गोवा आती है, और हम देखते हैं यहाँ पर होटल में शिवांगी के जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही होती है, तब यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्वनाथ भी शिवांगी को एक फूल की गुलदस्ता भेजती है उसकी रूम में, और वो माधु की जन्मदिन पालन कर रही होती है। और हम देखते हैं फ्लैशबैक में जाती है, तब यहाँ पर हम देखते हैं कि शिवांगी की हमशक्ल माधु को जो विश्वनाथ की पत्नी है, और विश्वनाथ उसको उसके साथ शारीरिक मानसिक अत्याचार करती है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने पिता के साथ भी उसे दिखाना करने नहीं देती, और फ्लैशबैक से लौट आती है, और यहाँ पर विश्वनाथ हम देखते हैं कि विश्वनाथ शिवांगी को होटल से उठाकर ले जाती है, और वो ये देखना चाहती है कि उसकी शरीर की एक चिन्ह को जो माधु की शरीर में थी, और यहाँ पर सूरज चली जाती है और उसे बचाती है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों की हाथापाई होती है, और यहाँ पर विश्वनाथ खाई से पार जाती है, और वो लोग समझती है कि विश्वनाथ मार चुकी है, और वो लोग चली जाते बात यहाँ पर विश्वनाथ बच जाती है। विश्वनाथ यहाँ पर जाती है माधु के पिता को लेकर आती है शिवांगी के साथ देखा करने के लिए, और यहाँ पर हम देखते हैं कि माधु के पिता शिवांगी को देख कर ये कहती है कि ये माधु नहीं है, बट यहाँ पर विश्वनाथ विश्वास नहीं करती। विश्वनाथ शिवांगी को फॉलो करती रहती है, उसे फ़ोन करती रहती है, यहाँ पर सूरज पुलिस की मदद लेती है और उसे गिरफ्तार करती है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि सूरज यहाँ पर विश्वनाथ सूरज को ये कहती है कि सूरज उसकी पत्नी को शादी कर चुकी है, उसके सजा होना चाहिए, तब यहाँ पुलिस उसे कहती है कि अगर उसे ये लगती है तब उसे अदालत जाना चाहिए, बट वो शिवांगी को ऐसे तंग नहीं कर सकती। और हम देखते हैं कि यहाँ पर अगले दिन विश्वनाथ की एक फ़ोन कॉल आती है शिवांगी को, और वो शिवांगी को ये कहती है कि शिवांगी को और या सूरज को अदालत ले आएगा, और शिवांगी के साथ अदालत में उसकी कपड़े खोला जाएगी और सूरज की भी सम्मान हानि होगी। ये सब कुछ सुनने के बाद शिवांगी अब जाकर ये स्वीकार करती है कि वही माधु है, और यह पर विश्वनाथ को ये कहती है कि सूरज बहुत ही अच्छा आदमी है, उसे बहुत मान सम्मान देती है, उसे बहुत प्यार करती है, और यहाँ पर वो भी कहती है कि जब वो विश्वनाथ के साथ थी तब वो जिल्लत की एक ज़िंदगी जी रही थी। ये सब सुनने के बाद विश्वनाथ ये कहती है कि उसे ये सब कुछ नहीं सुनना है, वो ये कहती है अगर वो नहीं आएगी उसकी पत्नी होकर नहीं आएगी तब वो सूरज के साथ बहुत कुछ करेगी, तब यहाँ पर शिवांगी मान लेती है और वो कहती है कि वो अगले दिन उसके साथ एयरपोर्ट में देखा करेगी। और हम देखते हैं कि यहाँ पर घर के और एक लैंडलाइन से सूरज सब कुछ सुन लेती है, और सूरज शिवांगी की रूम में जाती है और जाके उसके 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 उसको ये कहती है कि अगर उसके मन में कुछ है उसे बताने के लिए, और यहाँ पर हम देखते हैं कि शिवांगी उसे ये कहती है कि वही विश्वनाथ की पत्नी माधु है, और वो कहती है कि उसके पिता की कर्ज थी विश्वनाथ के पास, और उससे मिटाने के लिए वो विश्वनाथ को शादी किया था। विश्वनाथ बहुत ही पॉजिटिव किस्म के एक मानसिक रोगी है, और उसके साथ शारीरिक मानसिक निर्यातन करती, और वो तंग आ चुकी थी,
और एक दिन जब वो लोग एक जगह जा रही तब यहाँ पर जीप की उनकी जीप की एक्सीडेंट हो जाती है और जीप नदी में पड़ जाती है और यहाँ पर विश्वनाथ खो जाती है। और उसके पिता के पास जब वो रोती हुई आती है तब उसके पिता उसे कहती है कि ज़िंदगी उसे दूसरी बार मौका दिया है। और हम देखते हैं कि वो इंडिया चली आती है और शिवांगी बनकर रहती है। ऐसी उसकी ज़िंदगी कहानी थी। और हम देखते हैं कि यहाँ पर सूरज उसे लेकर एयरपोर्ट आती है तब यहाँ पर शिवांगी विश्वनाथ को गोली करने जाती है तब विश्वनाथ उसे गोली कर देती है और पुलिस विश्वनाथ को पकड़ कर ले जाती है। और हम देखते हैं आधा रात में विश्वनाथ को लिया जाता है तब विश्वनाथ यहाँ पर शिवांगी भी आती है और यहाँ पर विश्वनाथ पुलिस से पिस्तौल छीन लेती है और सूरज और शिवांगी के सामने जाती है और वो कहती है कि वो जानती है जानती थी उस गोली में नकली उस पिस्तौल में नकली गोली थी और वो ये कहती है कि वो मधु के बिना नहीं रह पाएगी और वो खुद को गोली कर देती है और मर जाती है। ऐसे ख़त्म होती है इस फिल्म की कहानी। धन्यवाद। जो फिल्म के बारे में हम बातें करने वाले हैं वो है अग्निशक्ति जो 1986 में